फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं उठी और उठ के जैसे ही ब्रश वगैरह किया, किचन में गई, दूध वगैरह प्रिपेयर किया, इतने में तो पता चला कि काम वाली आने वाली ही नहीं है। तो अभी सारे कल के बर्तन है वो धोए हैं और हिम्मी आ गई है। हाय बोल दो। हाय फ्रेंड्स। वाओ, इन्हें कैसे देखे। हिम्मी आप कैसे दिख लो बता दो। वाओ, तो इसका मिल्क है वो पी नहीं रही थी, तो इसकी मम्मी देके गई है। वो चिकू के डर से थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा बाकी है क्योंकि इसका पेट है वो फुल हो गया है ना, है ना। इसके शाशा जाएंगे रूम से, फिर ये बोलेगी कुछ भी आपको। अभी ये बिल्कुल साइलेंट मोड पे है। कभी कभी इसका प्यार एकदम से जग जाता है, कभी कभी एकदम से इसका प्यार साइलेंट। हाँ, अब बोलना चालू। कैचे 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 कैचे। ओ ओ, शाशा कहाँ गए? कहाँ गए शाशा? नहीं नहीं करने, नहीं नहीं करने, नहीं 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 नहीं। आपका चलो, आपका चलो। हाँ मम्मा, मम्मा जा रहे हो? वो कहाँ हुआ? हाँ अब चिल्ले छूट गया। बाय बाय। ना के आ गई है कंप्लीट और यहाँ पे मस्ती कर रही। हाँ कहाँ हुआ? हाँ क्या चुगली कर रही है तू? हाँ हाँ किटी। हाँ शाशी, शाशी बोलो बोलो क्या होगी? हैफे ओ मेरा फोन, फोन दे दो बेटा, दे दे। फोन लेके बैठ गई थी, दिखा नहीं कैमरे में, दिखा ओ शाशा। स्कूटी की चाबी ये शाशा की है बेटा। शाशा ठीक है। तो अभी मैं घर के काम कर देती हूँ कंप्लीट, क्योंकि आज कोई भाई जी आने वाली नहीं, और खाना वगैरह प्रिपेयर कर देती हूँ, फिर शॉप पे जाना है मुझे। इसलिए क्या पी लो, क्या पी लो? जूस। बेड पे नहीं गिर जाए। मेरा नहाना अभी तक बाकी है, पर मैं एक बार चली जाती हूँ। फ्रूट सब्जियाँ और थोड़ा बहुत अब हेल्थ मेंटेन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब भी कुछ भी हो नहीं रहा है। सुबह सुबह उठना था, वो भी आजकल पोस्टपोन हो गया है होली के चक्कर में, और ये व्रत आ गया है, सब कितना मिक्स हो गया है बहुत ज़्यादा। पर अब खाने पे दिया जाएगा ध्यान, और आज की नारी सब कुछ कर सकती है। सब कुछ कर सकती है, यानी खाना भी मेंटेन कर सकती है, शॉप भी मेंटेन कर सकती है, घर भी मेंटेन कर सकती है, सब कुछ। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रूट सब्जियाँ और थोड़े बहुत डाइट के सामान की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज से डाइट स्टार्ट करनी है मुझे और चिकू को, दोनों को। तो अभी जिकू भी आ गए मुझे लेने के लिए, तो अपन चलते हैं और शॉपिंग करके आते हैं। मास्क ले लेती हूँ क्योंकि सब्जी मंडी में भीड़ ज़्यादा होगी। लो चलो। तो ये जिकू भैया अभी शॉपिंग करने हमारे साथ में आएंगे। अरे आजकल टाइम मिलता नहीं है। गौर फली फ्रेश है, सब फ्रेश है। पर परी गया, पर शॉपिंग करके आ गई हूँ सारे सब्जियों की और फ्रूट्स की, वो वॉश करने बाकी है। अभी स्टेयर्स पे से ही रख दिया है मैंने, और साथ ही साथ मैंने खाना भी आते में बना दिया। लौकी की सब्जी बनाई है, जूस निकाला है मैंगो का, जो कि ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है, और लौकी की सब्जी, चावल, आटे अलग अलग जो भी भूज के रख दिए हैं। अब एक बार नहा लेती हूँ और फिर नहा के निकल के फिर मैं रोटी बनाऊंगी। अभी इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, तो दूध डाल देती हूँ ताकि दूध वाली लौकी अच्छी लगेगी। ये मैंगो का जूस
केरी वर खटाई नहीं नाखी दही नहीं भी नाखी ये सलाद और रोटी। खाना खा लिया है, अब चलते हैं शॉप पे और वॉच पहन लेती हूँ। वॉच तो आजकल चार्ज होती रहती है, भूल जाती हूँ सुबह सुबह पहनना। बैटरी चेंज कर देती हूँ क्योंकि बैटरी हो गई है लो कैमरे की। गर्मी आती है, स्कूल में बंदर पापड़ी, बंदर पापड़ी बहुत सारी आ गई हैं। सीजन चेंज हो गया इसलिए बंदर पापड़ी आ गई है। पतझड़ का मौसम आ गया है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सारे पत्ते बेचारे झड़ जाते हैं। सुबह की आई थी और अभी 8:50 पे हो रही हूँ फ्री, लगभग 2:30 बजे कुछ आई थी, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, तब से मैं बैठी ही नहीं हूँ। और ये अभी सारा बिखरा हुआ जो सलून है उसको थोड़ा सा अरेंज करके जाती हूँ क्योंकि सुबह फिर आऊँगी तो वापस सारा बिखरा हुआ मिलेगा, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ, एसी तो ऑफ़ है, स्विच भी ऑफ़ कर देती हूँ और फिर जाती हूँ घर पे। और घर पे जाना है, जाके बनाना है खाना। और खाना बनाने में चलो आज थोड़ा सा इजीनेस हो जाएगा क्योंकि मैं सब्जियाँ है वो ले आई थी, तो सब्जियाँ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर सब्जी नहीं होती तो सब्जी नहीं ये रहता, पर सब्जियाँ हैं तो बन जाएगी। अभी जा रही हूँ मैं आगे, और आगे जाके जैसे कि आज मैं घर पर ले जा रही हूँ ये बालों का ब्रह्मास्त्र हेयर ऑयल, गुड हेयर का, जिसके ऊपर अभी चल रहा है ऑफ। और इस ऑफ़ का फ़ायदा उठाते हुए मम्मी ने भी ये प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर लिया क्योंकि मम्मी ऑलरेडी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे और मम्मी को बाकी कोई भी प्रोडक्ट वर्क कर रहा है ऐसा नहीं लगा। मम्मी कब से कह रहे, मम्मी इस प्रोडक्ट को गुड़हल के नाम से इंट्रोड्यूस करते क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लावर है वो गुड़हल का बना हुआ है, तो वो गुड़हल वाला ऑयल शैम्पू कंडीशनर ले आना क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हुए प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है। घर पर आ चुके हैं चिकू और हम दोनों, और अब खाना बनाने की तैयारी। आजकल तो चिपकलियों का डर। शैम्पू कंडीशनर, ये हमारा खाना, खीरा रोटी और सब्जी और लड्डू जो कि दशा वाला है कल वाला, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो एक ही बचा था, आधा खा लिया, आधा कल मम्मी खाएंगे। और चिकू को तो कम पसंद है इसलिए उनको कम कम ही देते हैं। और ये लड्डू तो भी खाते क्यों नहीं हो, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल एक कण भी गिरना नहीं चाहिए लड्डू। मम्मी लास्ट में लेके पूरी थाली धो के फिर पी जाते, कहीं एक कण भी कहीं रह जाए तो भी। तो अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:15। अभी मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए फलहार, खाना खा लिया है तो स्टैन भी क्लीन हो गया था, तो अभी ये आलू डायरेक्ट बॉईल किए हुए फलहार बना रही हूँ, ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ये कड़ी पत्ते, ये जीरा और ये ड्राई, और ये आलू फटाक से कर देती हूँ फ्राई। और मम्मी के भी क्या, कल भी व्रत था, कल तो कुछ खाया ही नहीं था, तो आज भी व्रत है मंडे का, तो सुबह तो खाना खाया था पर खाने के टाइम पे भूख लग जाती है, तो साथ ही साथ कंप्लीट आलू बना देते, बॉयल आलू इसलिए सही रहेंगे और पेट भी इससे जल्दी भर जाता है और टाइम भी काफ़ी हो गया, पर मम्मी तो लेट ही शेगार करते। फलहार बन चुका है कम्प्लीटली, बस अब ये थोड़ा सा मसाला वगैरह पक जाए और आलू की सब्ज़ी, ऐसी आलू की सब्ज़ी देख के टिफ़िन वाली आलू की सब्ज़ी याद आ जाती है ना, बहुत टेस्टी लगते थे और अभी भी लगते हैं। अगर फलहार में किसी को खाने हो तो इस टाइप से बना के खा सकता है, अच्छे भी लगते हैं। और आज तो शॉप पे भी थोड़ी थक गई थी तो बस अब यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलता है कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय बाय बाय।